स्टूडेंट्स कॉपोरेट डांस में लेक्चर ट्वेल्व के साथ एक मार्क आपके साथ जैसा कि आपको पता है कि हम सेंसटिविटी एनालिसिस को कवर कर रहे थे और एक एग्जाम्पल हमारी थी हम आ, देख रहे थे कि वेरिएबल कॉस्ट में अगर इफेक्ट आ रहा है अगर चेंज आ रहा है तो प्रोजेक्ट पर क्या इफेक्ट है वी कैल्कुलेटेड

एट परसेंट के करीब इफेक्ट आ रहा था तो ये प्रोजेक्ट में हम देख रहे थे कि प्रोजेक्ट की ओवरऑल जो फिनशियल वायबिलिटी है उस पर क्या इफ़ेक्ट्स जो है वो क्रिएट करते हैं चेंज इन वेरिएबल जो है तो लेट्स सी के अब अगर प्रोजेक्ट की जो अप्रंट कॉस्ट है उसमें इफेक्ट आ जाए या डिस्काउंट फैक्टर में अगर चेंज आती है तो वाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द ओवरऑल फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैक्टर हमारे पास जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे जिस तरह के आपको पता है कि इस एग्जाम्पल में द इनिशियल इन्वेस्टमेंट वॉज सेवन पॉइंट वन मिलियन तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो एट परसेंट डिस्काउंट फैक्टर पे आई थी दैट वॉज नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री थाउजेंड सम और इसको अब हम देखते हैं कि इसका क्या रिलेशन बनता है जो कि अप फ्रंट कॉस्ट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट है तो आइए इसके लिए हम एक स्लाइड देखते हैं स्लाइड आपके सामने है इसमें आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो नेट प्रेजेंट वैल्यू थी दैट वाज नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री थाउजेंड इसको अगर हम देखते हैं कि इसका रिलेशनशिप इस चेंज का इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ क्या बनेगा तो हम 923 को इसमें ऐड कर देते हैं जो हमारी 7.1 मिलियन की अपफ्रंट कॉस्ट है उसमें 923 को ऐड कर देते हैं और आप ये देख रहे हैं कि यहां पे हमने 923 ऐड किया 7.1 मिलियन में तो टोटल जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है अगर वो इनक्रीज हो जाती है 8 मिलियन पे तो देन यू कैन सी कि हमारे पास जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी जी ये आप अगर देख रहे हैं इस कॉलम में 7.1 मिलियन को अगर 8.023 कर दें तो हमारे पास जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी इस प्रोजेक्ट की वो जीरो हो जाती है तो ये आप देख रहे हैं सेंसिटिव है इस प्रोजेक्ट जो है इस एरिया में भी कि अगर उसमें 9.9 मिलियन की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसको इंक्रीज कर दें अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट में तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो फिर भी जो है वो ब्रेक इवन पे आ जाएगा यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस की बेसिस पे नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी आप ये कॉलम देख रहे हैं कि इसमें अब आपकी नेट प्रजेंट वैल्यू जीरो है बिकॉज आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्क्रीज कर रही है अगर इसका मैयर अगर आप लें कि कितने परसेंट चेंज है तो हम इसको देखते हैं कि 923,000 को अगर डिवाइड करें 7.1 मिलियन पे तो दैट कम्स टू अराउंड थर्टीन परसेंट अगर आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाती है लास्ट फैक्टर लेट्स रिक इफ देर इज अ चेंज इक्वल टू नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री थाउजेंड जो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो अगर जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो आपकी आई है इन फ्लोज की अगर उसमें सेवन पॉइंट नाइन सेवन या एट परसेंट का अगर डिफरेंस वेरिएशन आएगी एडवर्स वेरिएशन देन योर प्रोजेक्ट वुड बी एट ब्रेक इवन और जीरो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी ठीक है अगर आप फर्स्ट ईयर की जो सेल्स हैं या फर्स्ट ईयर का जो इनफ्लो है उसको अगर आप चेंज करना चाहें कि आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो जाए तो उसकी परसेंटेज जो है वो 15.34 परसेंट है इसी तरह अगर वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारे पास अगर उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको और जो नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट की है उसको अगर हम कंपेयर करते हैं कि 923,000 का अगर वेरिएशन आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द जो वेरिएबल कॉस्ट है देन इट वुड बी 25.9 परसेंट यानी कि 26 परसेंट वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करे देन द नेट प्रेजेंट वैल्यू विल बिकम जेरो एंड इफ फर्स्ट ईयर जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है उसको हम आ, देखें कि उसमें कितनी वेरिएशन आएगी तो हमने क्या किया नाइन ट्वेंटी थ्री को फर्स्ट ईयर पे कन्वर्ट किया डिस्काउंट फैक्टर एंड वी कंपेयर दैट अमाउंट विद द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ वेरिएबल कॉस्ट तो हमारे पास जो वेरिएशन थी दैट वाज 49.87 नाइन और परसेंट वट डज इट इट मीनस दैट देर इज अ चेंज ऑफ फिफ्टी द फर्स्ट ईयर वेरिएबल कॉस्ट देन आर नेट प्रेजेंट वैल्यू विल बी जीरो यानी कि अगर आपकी टू मिलियन है तो उसमें अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी परसेंट जो है वो वन मिलियन आएगा तो अगर फर्स्ट ईयर की आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है इफ इट जम्पस टू थ्री मिलियन देन योर प्रोजेक्ट विल बी एट ब्रेक इवन और वैल्यूलो अभी हमने देखा कि अगर हम जो नाइन ट्वेंटी थ्री है दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट अगर यह नाइन ट्वेंटी थ्री थाउजेंड जो है अगर आपकी इससे इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर जाती है देन अगेन द नेट प्रेजेंट वैल्यू विल बी जीरो एंड द परसेंटेज चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट वुड बी थर्टीन परसेंट स्लाइटली ओवर थर्टीन परसेंट तो ये आपकी आप देख रहे हैं कि सबसे कम जो इफेक्ट आ रहा है वो सेल्स में आ रहा है फिर आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट में आ रहा है और सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो वेरिएबल कॉस्ट की आ रही है इसका मतलब सेंसिटिव जो है वो आपका कैश इनफ्लो है नाउ मूविंग डाउन टू आर लास्ट फैक्टर ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस व्हिच इज द इंटरेस्ट रेट यू सॉ दैट वी यूज्ड एट परसेंट डिस्काउंट फैक्टर टू कैलकुलेट दैट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस प्रोजेक्ट नाउ We just calculate the i r r of this project the internal rate of return. internal rate of return I amm see how far it is from the cost of capital. If cost of capital mein kitni change ai, then the net present value will be zero. So the right way would be to calculate internal rate of return. Now, recall your memory. Refresh your memory to IRR What steps were involved? Okay, we need two sets of net present value Preferably one in the positive where the net present value is positive and the other one is in the negative side Up We have a net present value while using a percent discount factor. Let's try a higher discount factor जो कि हमें नेगेटिव में नेट प्रेजेंट वैल्यू देते नाउ वी हैव टू कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू से 15 परसेंट पे 8 परसेंट पे हमारी पॉजिटिव है द हायर द डिस्काउंट फैक्टर और उतनी आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो लोअर होती जाती है तो आइए देखते हैं इस स्लाइड में कि हम जो आई है वो किस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें हमारा जो डिस्काउंट फैक्टर है वी आर यूजिंग ट्वेंटी परसेंट ताकि हमें नेगेटिव एंड प्रेजेंट वैल्यू जो है वह मिल जाए सो एट ट्वेंटी परसेंट आर डिस्काउंट फैक्टर फॉर द फर्स्ट ईयर इज पॉइंट एट थ्री 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 एंड इन द सेकेंड ईर इट इज पॉइंट सिक्स नाइन फोर फोर ना डिस्काउंटिंग आर वेरिएबल कॉस्ट एंड इनफ्लोज बाय दिस ट्वेंटी परसेंट और उसमें जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की है देन वी गेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 225,000 नेगेटिव, एंड हमें अब नेट प्रेजेंट वैल्यू जो नेगेटिव में मिली है नाउ द सेकंड स्टेप इज टू प्लग इन ऑल दिस वैल्यूज ऑफ 8% परसेंट एंड ट्वेंटी परसेंट कैल्कुलेशन द आई आर आर फार्मूला आई फार्मूला आपके सामने एक मरतबा में ये फिर आपके सामने रख रहा हूं स्लाइड में विच इज स्मॉल ए प्लस कैपिटल ए डिवाइडेड बाय कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी इनटू स्मॉल बी माइनस स्मॉल ए परसेंटेज। नाउ अगेन लेट मी टेल यू व्हाट इज ए ए इज़ द डिस्काउंट रेट एट विच स्मॉल ए एट विच द नेट प्रेजेंट वैल्यू वाज़ पॉजिटिव विच इज 8%, 923,000 पॉजिटिव आई जो 8 परसेंट पे थी सो स्मॉल ए रिप्रेजेंट 8 परसेंट एंड बी इज 20 परसेंट द हायर डिस्काउंट रेट यूज टू कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ माइनस टू एंड ट्वेंटी नाउ द कैपिटल ए इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 8 परसेंट विच इज 923,000 एंड Capital B is 225,000 negative net present value. Now, if we plug in all these values into the formula given above, then the answer, this formula return is 17.65. It means that the internal rate of return or IRR of this project would be 17.65 percent. सिटिविटी के लिहाज से अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है दैट शूट्स अप टू सेवेंटीन और एटीन परसेंट देन चेंज जो आएगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में दैट इज ओवर हंड्रेड परसेंट फ्राम एट टू सिक्सटीन एंड दिस इज सेवेंटीन पॉइंट सिक्स फाइव और एटीन परसेंट सो मोर देन हंड्रेड परसेंट चेंज आ जाइए तो ये हमारा सेट ऑफ सेंसिटिविटीज थी सबसे जो सेंसिटिव एरिया यहां पे आपको नजर आया दैट इज आर इनफ्लोज सबसे कम जिसमें चेंज आती है तो प्रोजेक्ट जो है इट्स नेट प्रेजेंट वैल्यू इज डाउन टू जीरो दैट इज कैश इनफ्लो दिस इज सेंसिटिविटी एनालिसिस हमने इसमें देखा कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जिसमें एक छोटी चेंज जो है दैट विलीड दैल्यू टू रिजेक्ट द प्रोजेक्ट सेंसिटिविटी एनालिसिस में सिर्फ ये फैक्टर्स को हमने देखना होता है कि मसलन वेरिएबल कॉस्ट में 50 परसेंट की इंक्रीज आए तो फिर प्रोजेक्ट जो है वो आपका उसकी फिनेंशियल वायबिलिटी जो है वो खत्म होती है लेकिन अगर आपकी इनफ्लोज में 15% की चेंज आ जाए एस्टिमेटेड होती है ना आपकी इनफ्लोज एस्टिमेटेड है ठीक है तो उसपे अगर 15% की चेंज आ जाएगी तो आपका प्रोजेक्ट की वर्दीनेस जो फिनेंशियल वर्दीनेस है सबसाइड तो दिस इज सेंसिटिविटी एनालिसिस अब सेंसिटिविटी एनालिसिस भी अनचैलेंज नहीं गुजरा

आइसोलेशन में देखा कि सेल्स में क्या वेरिएशन आए या वेरिएबल कॉस्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अदर थिंग रिमेनिंग द सेम जब हमने सेल्स में वेरिएशन ली तो वेरिएबल कॉस्ट भी उसी तरह थी ओरिजिनली कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी उसी तरह था इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी उसी तरह था इन रियालिटी जो फैक्टर्स होते हैं उनकी जो कॉम्बिनेशन ऑफ चेंज होता है उसको सेंसिटिविटी एनालिसिस जो है वो कंसिडर नहीं कर रहा फॉर एग्जांपल के एग्जाम्पल्टेनियस चेंज इन से वेरिएबल कॉस्ट एंड इनफ्लोस इसको कंसिडर नहीं करता आइसोलेशन में कि सिर्फ सेल्स अगर चेंज हो जाए बाकी ऑल द थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड तो फिर क्या इफेक्ट है इन रियल लाइफ वेयर कैन बी अल्टेनियस चेंज इन

we covered net present value, payback periods, accounting rate of return, irr. all these methods of evaluation provided us the decision rule or the acceptance region. for example, net present value says if the net present value is positive, then you can take up the project. or when you are confronted with more than project,

प्रबिबिलिटीज का इस्तेमाल uh, नहीं किया जा रहा वट आर द चेटिंग सिक्स पॉइंट फाइव मिलियन ऑफ कैश फ्लोज एट द एंड फर्स्ट ईयर दिस इज हाईली सब्जेक्टिव मैटर जो कि हमने अभी सेंसिटिविटी एनालिसिस में देखा द वेरिएबल कॉस्ट फुल भी टू मिलियन और इन फ्लोज फुल भी सिक्स पॉइंट फाइव मिलियन तो प्रॉबिलिटीज आर नाट

और अटैच करते हैं कि अगर ये आउटकम हम कंसिडर कर रहे हैं देन क्या चांसेस क्या हैं व्हाट इज द प्रोबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर से फैक्टर टू हैपन इसमें हम ये करते हैं कि हमारे पास सेवरल आउटकम्स होते हैं हम उनको से एस्टिमेट करते हैं फॉर एग्जांपल के हाउ मेनी चांसेस आर देयर दैट देर विल बी अ बूम इन इकोनमी ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर या रिसेशन के क्या चांसेस हैं या हमारी कैश फ्लो की क्या चांसेस है कि ये एट द एंड ऑफ द ईयर इट विल बी हंड्रेड थाउजेंड सो वी अटैच प्रॉबिलिटी टू एवरी आउटकम प्रॉबिलिटी जो है

वर्स्ट केस क्या है और बेस्ट केस क्या है प्रोबेबिलिटी एनालिसिस से हम दो एक्सट्रीम्स जो हैं वी कैन डिफाइन दोज एक्सट्रीम जो से एक आपका फ्लोर और कैप वाला जो एरिया है हम उसको कंसिडर कर सकते हैं और वैसे भी हमने देखा कि प्रोजेक्ट एनालिसिस जब से हमने कैपिटल बजटिंग शुरू किया है कि कैश फ्लोज आपने देखा कि जी एट द एंड ऑफ द ईयर इट विल भी हंड्रेड थाउजेंड एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर विल बी एक्स डॉलर एंड सो ऑन सो इस चीज को ये सब्जेक्टिव मैटर्स जो है कि आपने अपनी जो कैश फ्लो है उसको एस्टिमेट किया इसके लिए हम प्रॉबिलिटीज को यूज कर सकते हैं और बाद में हम इसके ऊपर फर्दर कोई जो स्टैटिस्टिकल टूल है वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल वी कैन कैलकुलेट नैट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस तो एक छोटी सी मैं आपको एग्जाम्पल इसकी प्रोबेबिलिटी एनालिसिस की कराता हूँ ये आपके सामने अभी एक स्क्रीन पे स्लाइड है फर्स्ट कॉलम में हमने इयर्स रखे हुए हैं सेकंड में कैश फ्लो है थर्ड में प्रोबेबिलिटी है फोर्थ इज एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द लास्ट कॉलम इज हमारी पीरियड की एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं वो आपको इसमें नजर आ रही है फॉर एग्जाम्पल इन पीरियड नॉट

वी हैव हंड्रेड एंड फोर्टी थाउजेंड वी आर एस्टिमेटिंग दैट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट वुड बी हंड्रेड एंड फोर्टी थाउजेंड एंड द चानसेज ऑफ दिस टू हैपन फिफ्टी परसेंट पॉइंट फाइव यानी कि हम ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो इनक्रीज हो सकती है हंड्रेड ट्वेंटी से हंड्रेड फोर्टी थाउजेंड तक और इसके चांसेस ज्यादा हैं हंड्रेड एंड ट्वेंटी थाउजेंड के चांसेज फोर्टी परसेंट हैं हंड्रेड एंड फोर्टी थाउजेंड के चांसेज फिफ्टी परसेंट हैं एंड द लास्ट थिंग इज के ये इससे भी ऊपर जा सकती है इनिशियल इन्वेस्टमेंट हंड्रेड एंड सिक्सटी थाउजेंड तक ही जा सकती है बट द प्रोबिलिटी ऑफ हंड्रेड एंड सिक्सटी थाउजेंड इज टेन परसेंट सो यू कैन सी दैट द टोटल प्रॉबिलिटी ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू हंड्रेड परसेंट और वन अब इस चीज को अगर आप नेक्स्ट कॉलम में देखें विच इज टाइटल्ड एज एक्सपेक्टेड वैल्यू सो वी कैन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करेंगे आपका 120,000 देख रहे हैं आप और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 फोर है वी मल्टीप्लाय हंड्रेड एंड ट्वेंटी And the answer is 48,000. Moving down, 140,000 is multiplied by the probability of 0. 0.5, which comes to 70,000. And the last item of initial investment is 160,000, and the probability is 0. 0.1, so expected value is 16,000. If we add फोर्टी एट थाउजेंड सेवेंटी थाउजेंड एंड सिक्सटी थाउजेंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज हंड्रेड एंड थर्टी फोर थाउजेंड प्रॉबिलिटी इसको अटैच किया स्टेट ऑफ अक्रैंस से कि हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसके क्या चांसेस हैं कि ये डिफरेंट लेवल्स पे है वर्स्ट या हाइस्ट इसमें लेवल क्या था हंड्रेड एंड सिक्सटी थाउजेंड और लोएस्ट क्या था हंड्रेड एंड ट्वेंटी थाउजेंड इसी तरह अब फर्स्ट ईयर की अगर हम इनफ्लोज की बात कर रहे हैं द बेनिफिट स्ट्रीम फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट वुड बी से ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर वी एस्टिमेटेड दैट इट वुड बी फिफ्टी थाउजेंड बट द प्रोबेबिलिटी वी अटैच टू दिस फिफ्टी थाउजेंड इज थर्टी फाइव परसेंट ऑफ पॉइंट थ्री दैट मीन्स दैट देर आर थर्टी फाइव दैट एट द एंड ईयर वील हैव फिफ्टी ऑफ inflow and then we have 60000 inflow and the probability attached to this 60000 is 40% of 0 0.4 and 70000 of inflow at the end of first year with the probability of 25000 and again we calculate the expected values apni expected values is key this from the initial investment we calculate here if you just calculate

प्रबिलिटीज सो so, जो लास्ट कॉलम आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ईयर की हमारी जो इन हैं एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ जो है इनफ्लो की दैट इज़ फिफ्टी नाइन थाउजेंड एंड एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इट इज़ फोर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इट इज़ सिक्सटी टू यहाँ पे अगर आप गौर करें तो जो हमारे पास एस्टीमेटेड आपके इनफ्लोज और इनिशियल कॉस्टिंग विच आर प्लेस्ड इन सेकेंड कॉलम अगर आप उनको देखें तो उस पर बहुत सी वेरिएशन है और उस वेरिएशन को हमने कंट्रोल किया प्रोबेबिलिटी से और हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज तक पहुंच गए सो वी कैन यूज प्रॉबिलिटी एनालिसिस वी कैन अटैच प्रॉबिलिटीज टू से आर कैश इनफ्लोज बेनिफिट स्ट्रीम

यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, को एनालाइज करते वक्त और प्रोजेक्ट की वैल्यूशन में लेकिन इसमें भी आप जहन में रखें कि प्रोबेबिलिटी एनालिसिस में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो यही है कि जो हम प्रोबेबिलिटीज अटैच कर रहे हैं वो भी एक हाईली सब्जेक्टिव इशू है कि बाय देर इज अ चांस ऑफ से थर्टी फाइव परसेंट In getting 50,000 of inflow at the end of the first year, why not 45 percent? Why not 25 percent? So, attaching probability is highly a subjective matter. Let's move ahead to our next evaluation method, to analysis ka or source that is break-even analysis. Break-even analysis may हमारे पास दो सेगमेंट्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी शेल कंसीडर अकाउंटिंग ब्रेक इवन एंड देन मूव टू द इकोनॉमिक ब्रेक इवन सो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग ब्रेक इवन सो देन वी कैन अंडरस्टैंड इकोनॉमिक ब्रेक इवन विद ईज एंड कंफर्ट ब्रेक इवन एक आउटपुट लेवल है एट विच

उसको हम वर्कआउट कर रहे हैं कि वो कौन सा हो जिसपे कि आपका रेवेन्यूज और कॉस्ट जो है वो ब्रेक इवन कर रही हों या वो बराबर हो तो उस आउटपुट लेवल को डिटरमिन करने के लिए फिक्स कॉस्ट जो है वो उसका बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो एक क्रूशियल रोल है इसको बिफोर वी टेक अप एन एग्जाम्पल लेट्स डू इट इन अ ग्राफिकल वे फर्स्ट हम इसको एक ग्राफ के जरिए शो करते हैं कि वी ट्राई टू डिपेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन से फिक्स कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट तो इसको आइए हम वाइट बोर्ड पे करते हैं आपको पता है कि टोटल कॉस्ट विच इज

वाई पे हमारा से जो वैल्यूज हैं वो हैं सो फिक्स कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल इज लाइक दिस इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द आउटपुट लेवल एट एनी आउटपुट लेवल फॉर एग्जाम्पल दिस इज से वन मिलियन दिस इज टू मिलियन दिस इज थ्री मिलियन यूनिट्स एट एनी प्वाइंट ऑफ आउटपुट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट द फिक्स कॉस्ट इज द सेम आप ये देख लें कि आउटपुट लेवल टू है या थ्री है इसपे आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो उसका लेवल डॉलर वैल्यू में या रुपी लेवल में एक ही है अब इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट का देखते हैं कर्व के वो किस तरह है ये आपका आउटपुट लेवल ना आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज होती रहती है हर आउटपुट लेवल पे और इसकी जो एक कर्व बनती है दैट इज समथिंग लाइक दिस ये वेरिएबल कॉस्ट एट जिस जिस तरह आपका आउटपुट लेवल इंक्रीज हो रहा है द वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग विद द सेम रेशियो जिस तरह आपका आउटपुट लेवल है और उसी तरह आपका ये जो है वो वेरिएबल कॉस्ट भी है कर रहा है फॉर एग्जांपल कि अगर इफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज रुपीज टू सो एट वन यूनिट द वेरिएबल कॉस्ट विल बी टू एट टू यूनिट्स द वेरिएस्ट विल बी फोर एट हंड्रेड यूनिट द वेरिएबल कॉस्ट विल बी टू हंड्रेड तो उसमें आप यह देख रहे हैं कि जिस जिस तरह आपका आउटपुट लेवल इंक्रीज हो रहा है द वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग नाउ जिस तरह के इक्वेशन में आपको नजर आ रहा है कि टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट और अगर हम टोटल कॉस्ट का यहां पर बनाना चाहें कि टोटल कॉस्ट तो ये इस तरह हम देखते हैं इसको ये आपका आउटपुट लेवल आ जाएगा इधर और इधर आपकी वैल्यूज आ जाएंगी अब अगर हम इस कर्व को और इस कर्व को ऐड कर दें सो द टोटल कॉस्ट वुड बी के लाइक दिस दिस इज टोटल कॉस्ट अब ये देख रहे हैं कि टोटल कॉस्ट जो है वो यहां से शुरू हो रही है इट मीन्स कि ये जो पोर्शन है दिस वन ये आपको ये वाला पोर्शन जो है डिस रिप्रेजेंट फिक्स कॉस्ट जीरो आउटपुट लेवल यू हैव दिस कॉस्ट टू इनकर ये ऑटोमेटिकली ये कॉस्ट जो है ये इनकर होगी और ये वो लेवल है जो फिक्स कॉस्ट है तो ये टोटल कॉस्ट की कर्व आपको नजर आ रही है तो ब्रेक इवन में अगर हम इस ग्राफ में इफ यू कैन एड द टोटल रेवेन्यू कर्व देन वी कैन कैलकुलेट द ब्रेक इवन लेवल ग्राफिकली फॉर एग्जाम्पल के जो टोटल रेवेन्यू होता है वो भी आपको पता है कि जिससे इस तरह आपका आउटपुट लेवल बढ़ता है उसी रेशो से आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है बिकॉज वी आर एज्यूमिंग पर यूनिट सेल प्राइस जो है वो कांस्टेंट है फॉर एग्जांपल कि अगर सेल प्राइस इज 10 पर यूनिट सो एट वन यूनिट द टोटल रेवेन्यू विल बी टेन एट हंड्रेड यूनिट द टोटल रेवेन्यू विल बी वन एट वन यूनिट्स थाउजेंड द टोटल रेवेन्यू विल बी वन मिलियन सो टोटल रेवेन्यू जो है वो समथिंग लाइक कि अगर आप ये आउटपुट लेवल है आपका और टोटल रेवेन्यू भी इस तरह की कर्व बनती है कि जितना आपका इंक्रीज हो रहा है आउटपुट लेवल उतना आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है नाउ इफ वी कैन दिस टोटल रेवेन्यू कर्व अगर टोटल कॉस्ट कर्व में अगर शामिल कर दें तो समिंग लाइक दिस तरह का ये टोटल रेवेन्यू कर्व आपको नजर आएगा नाउ मूविंग टू दिस क्राफ्ट आप ये देख रहे हैं कि एट दिस लेवल ही पॉइंट फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट एक्स पॉइंट एक्स में टोटल रेवेन्यू कर्व इज इंटरसेक्टिंग टोटल कॉस्ट कर्व व्हिच मींस दैट एट दिस पॉइंट एट पॉइंट एक्स द टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट दिस इज द ब्रेक इवन एंड इसको अगर हम इस तरह ले तो ये जो पॉइंट हमारे पास आता है एक्स वन ये आउटपुट लेवल को आपको बताएगा कि एट विच द द कंपनी हैज जीरो प्रॉफिट और लॉस बिकॉज टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट आर इक्वल अगर आप पॉइंट एक्स के लेफ्ट पे देखेंगे द टोटल कॉस्ट कर्व इज हायर देन टोटल रेवेन्यू कर्व सो ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है ये जो शेड में कर रहा हूं

च मींस दैट कि यह जो ब्लैक शेडेड एरिया है हमारे पास दिस इज रिप्रेजेंटिंग प्रॉफिट तो यहां पर लेट मी टेल यू वन थिंग अगर आपकी फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन या कैपिटल बजटिंग के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स uh, में इट इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट को बिकॉज वी रिकवर दिस इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ डिप्रिसशन ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट तो अगर जितनी ज्यादा ये आपकी फिक्स कॉस्ट आएगी तो उस हिसाब से आपका ब्रेक इवन प्वाइंट जो है वो राइट right को मूव करता जाएगा यानी कि आपको हायर आउटपुट लेवल पे आपका ब्रेक इवन प्वाइंट जो है वो आपको मिलेगा यू हैव टू प्रोड्यूस मोर इन ऑर्डर टू रिकवर द फिक्स कॉस्ट तो इस ग्राफ की मदद से आपको पता चला कि ब्रेक इवन में हम किस तरह फिक्स कॉस्ट को किस फिक्स कॉस्ट का क्या रोल होता है फॉर एग्जाम्पल की अगर फिक्स कॉस्ट इस तरह यहां पर आ जाए देन द टोटल कॉस्ट वुड बी लाइक दिस यहां से शुरू होगी पहले आपकी टोटल कॉस्ट आप ये देख रहे हैं इधर से शुरू हो रही है अगर फिक्स कॉस्ट इधर आएगी तो टोटल कॉस्ट फॉर एग्जांपल के अगर देखें तो वो इधर आएगी नाउ द ब्रेक इवन पॉइंट और द आउटपुट लेवल इज लाइक दिस सो ये एक ग्राफिकल अप्रोच ब्रेक इवन पॉइंट की अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि हम जब प्रोजेक्ट एनालिसिस कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन एडवांस वैल्यूएशन कर रहे होते हैं देन वी मस्ट नो दैट दिस इज आर फिक्स्ड कॉस्ट वी हैव यानी कि आपको कॉस्ट के बिहेवियर का पैटर्न का पता हो तो आपको ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको मिनिमम कौन सा आउटपुट लेवल चाहिए आइए इसकी ब्रेक ही की नाउ टेक अपरिकल एग्जाम्पल के ग्राफ में तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया ब्रेक इवन पॉइंट हाउ टू कैलकुलेट आई मीन ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ आउटपुट लेवल और इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स एंड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू के कौन सा रेवेन्यू आपको चाहिए इन ऑर्डर टू बी एट ब्रेक इवन तो ये एग्जांपल आप स्लाइड पे देखेंगे यहां पर हमने एक हापथेटिकल एग्जाम्पल में ये है कि सेल प्राइस है कोई भी आपने एक प्रोडक्ट यू हैव टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट जो कि आप का जो प्रोजेक्ट है इंटेंडेड प्रोजेक्ट उसमें जो पर यूनिट प्राइस आएगी प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं दैट इज 15 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी एट एंड इन दैट सेंस द कंट्रीब्यूशन मार्जिन विल बी सेवन कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन अगेन एज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अब यहाँ पे आपको फर्स्ट कॉलम में आउटपुट लेवल नजर आ रहा है द सेकंड कॉलम इज डेडिकेटेड टू फिक्स कॉस्ट देन वी हैव वेरिएबल कॉस्ट इन द फॉलोइंग कॉलम द टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ़ प्लस वेरिएबल कॉस्ट देन वी हैव टोटल रेवेन्यू द नेक्स्ट कॉलम इज कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन लास्ट कॉलम इज द प्रॉफिट विच इज आई मीन द टोटल कॉस्ट is subtracted from the total revenues in order to reach at profit. though apco phenomenas nazarari, first is the contribution margin and the next one is the profit. because i earlier stated that this is accounting break even, so that's why we are considering profit here. so ismay see we have different output levels. say 3,000 units, 6,000 units, 9,000, 12,000, 15,000, 18,000. एंड ट्वेंटी वन थाउजेंड ये डिफरेंट आउटपुट लेवल है और इसके साथ इन द नेक्स्ट कॉलम फिक्स कॉस्ट यू कैन सी इट इज हंड्रेड थाउजेंड व आउटपुट लेवल इज द फिक्स कॉस्ट इज हंड्रेड थाउजेंड लाइक वी सॉन द ग्राफ इट इज पैरल टू द एक्स एक्सेस और द आउटपुट लेवल जो जिसपे हमने लिखा होता है एक्स एक्सेस पे एट एनी लेवल Fixed cost is 100,000. Now moving to the next column, variable cost. Variable cost we have figured out, we have worked out this 24,000 by multiplying 3000, which is output level, by the variable cost per unit, which is 8. Isi tara, the next column is total cost. So we added fixed cost of 100,000 into Variable cost of 24,000 to reach at 124,000. The next column is total revenue. Total revenue is calculated as output level, which is 3000 multiplied by the sales per unit, which is 15. So, the total revenue at 3000 unit level is 45,000. Now, the contribution margin is ट्वेंटी वन थाउजेंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट सेल्स इज फोर्टी फाइव थाउजेंड टोटल रेवेन्यू एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज ट्वेंटी फोर थाउजेंड सो द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज ट्वेंटी वन थाउजेंड बट द प्रोफिट इज माइनस सेवेंटी नाइन थाउजेंड विच इज की टोटल कॉस्ट ऑफ हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर थाउजेंड इसमें से टोटल रेवेन्यू जो है वो माइनस किया तो हमारे पास 79,000 का लॉस आ रहा है जो आप अंडर ब्रैकेट्स देख रहे हैं प्रॉफिट को दैट इज लॉस वाई बिकॉज यहां टोटल रेवेन्यूज़ जो हैं वो टोटल कॉस्ट से जो हैं वो कम है सो दैट्स वाई यू आर इनकरिंग लॉस ऑफ 79,000 इसी तरह हमने जो रेस्ट ऑफ द आउटपुट लेवल्स हैं उनपे ये इसी तरह सारा प्रोसीजर जो है वो कंडक्ट किया ट्वेंटी वन थाउजेंड लेवल तक जो आउटपुट लेवल है आपके पास नाउ द टाइम इज टू वर्क आउट ब्रेक इवन इन नंबर ऑफ यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स में आप इस स्लाइड में एक फॉर्मूला देख रहे हैं ब्रेक इवन इन यूनिट्स विच स्टेट्स दैट फिक्स कॉस्ट डिडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन हम देख रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट जो है उसको अगर हम डिवाइड कर दें कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे तो हमें नंबर ऑफ यूनिट्स मिल सकते हैं हमारे पास फिक्स कॉस्ट क्या है हंड्रेड थाउजेंड आपको पता है कि फिक्स कॉस्ट जो सेकेंड कॉलम में है हंड्रेड थाउजेंड और हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है पर यूनिट दैट इज सेवन 15 माइनस एट वेरियबल कॉस्ट जो 7 बजता है दैट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन इफ वी डिवाइड 100,000 बाय 7, देन वी नीड टू प्रोड्यूस 14,285.71 यूनिट्स, और इसको राउंड ऑफ कर दें तो ये 14,286 यूनिट्स। ये आपको प्रोड्यूस करने हैं अकाउंटिंग ब्रेक इवन में इफ यू

S stands for sales. So CS ratio is 0 0.47. Yeah, 47%. Any contribution margin is 47% of the sales. 7 is the contribution margin divided by sale is 15. So 47.47 is the CS ratio. And if we want to have a break even revenue. Then the formula you can see on the screen is fixed cost divided by CS ratio. Fixed cost is hundred thousand divided by CS ratio is 0 0.47. That returns a value of 214,286. 214286 is our break-even revenue. Up यहाँ पे ब्रेक इवन में आप एक टारगेटेड जो प्रॉफिट है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 250,000 का प्रॉफिट अचीव करना है तो उसके लिए आप लास्ट पे एक आपको नजर आ रहा है कि फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन यानी कि आपने अगर 250,000 का प्रॉफिट अचीव करना है तो उसके लिए आपको क्या फार्मूला चाहिए कि फिक्स कॉस्ट में वो टारगेटेड प्रॉफिट ऐड कर दें और उसको डिवाइड कर दें कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट देन यू कैन हैव टारगेटेड आउटपुट लेवल फॉर एग्जांपल यहां पे हमने अगर प्रॉफिट जो है वो 250,000 का एंड किया है कि अगर हमें ये चाहिए तो हमें फिफ्टी थाउजेंड जो है वो प्रोड्यूस करना होंगे तो दिस इज अकाउंटिंग ब्रेक इवन एक चीज यहां पे नोट करें अकाउंटिंग ब्रेक इवन में कि अकाउंटिंग ब्रेक इवन जो है ये एक ये प्रॉफिट्स के ऊपर बेस कर रहा होता है लेकिन वेर एज इन प्रोजेक्ट वेल्यूएशन हम प्रॉफिट को नॉर्मली uh, कंसिडर नहीं करते वी आर कंसर्न विद द कैश फ्लोज तो इसमें फिक्स कॉस्ट तो रिकवर हो रही होती है लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वह ब्रेक इवन अकाउंटिंग ब्रेक इवन में कंसिडर या आ, नहीं होती और रिकवर भी नहीं हो रही होती सो दैट्स वाई जो एनलिस्ट हैं दे ट्राई टू यूज एंड दे यूज इकोनॉमिक ब्रेक इवन लेवल इकोनॉमिक ब्रेक इवन लेवल क्या है इनशाला इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि एक्चुअल जो इवेल्यूएशन है या एनालिसिस है वो इकोनॉमिक ब्रेक इवन में आएगा जिसमें कि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी रिकवर करेंगे तो आज के लिए मैं अपना लेक्चर जो है वो इधर ख़त्म कर रहा हूँ इन अगले लेक्चर में मिलेंगे तब तक के लिए खुदा खुदाफिज